आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिटल फ्लोर ब्लोअर फ्रैक्चर के बारे में। तो ये दो तरह से हो सकते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्चर और इनडायरेक्ट फ्रैक्चर। जब इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम का जब फ्रैक्चर हो जाता है और वो ऑर्बिटल फ्लोर तक एक्सटेंड कर जाता है तो उसे डायरेक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। और अगर इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम का फ्रैक्चर इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम का जो फ्रैक्चर है वो ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर से एसोसिएटेड नहीं होता तो उसे इनडायरेक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। इनडायरेक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है कि ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर होता है पर इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम का फ्रैक्चर नहीं होता है। अब ब्लोअर फ्रैक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि ब्लोअर फ्रैक्चर कॉज बाय इंक्रीज इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर, ब्लंट ऑब्जेक्ट ऑक्लूड द ऑर्बिटल अपर्चर, कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट आर कंप्रेस पोस्टीरियरली, ऑर्बिटल बोन्स ब्रेक एट द वीकेस्ट पॉइंट और ऑर्बिटल कंटेंट्स प्रोलैप्स थ्रू फ्रैक्चर इनटू मैक्सिलरी साइनस एंड मे बी इंट्रैप्ड। इनमें क्या होता है, ब्लंट ऑब्जेक्ट वो ऑक्लूड कर देता है ऑर्बिटल अपर्चर को, तो ऑर्बिट का जो कंटेंट्स है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है पीछे की साइड, पोस्टीरियरली कंप्रेस हो जाता है और फिर ऑर्बिटल बोन्स जो हैं वो ये जैसे आई है तो ये पीछे की तरफ कंप्रेस हो जाता है, तो ऑर्बिटल बोन्स जो हैं वो वीकेस्ट पॉइंट से अपना ब्रेक कर जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तो फिर मेनली ये पोस्टीरियोमीडियल पार्ट ऑफ से टूटते हैं और ऑर्बिटल कंटेंट्स प्रोलैप्स थ्रू फ्रैक्चर इनटू मैक्सिलरी साइनस एंड मे बी इंट्रैप्ड। साइंस ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर ब्लोअर फ्रैक्चर की बात करें तो पेरीओकुलर इकाइमोसिस एंड इडीमा होता है उसमें, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एनेस्थीसिया होता है, ऑप्थाल्मोप्लेजिया होता है टिपिकली इन अप एंड डाउन गेज। अब डबल डिप्लोपिया मतलब उसमें क्या होता है कि एक आई बॉल ऊपर देख रहा होता है और एक नीचे देख रहा होता है, अप एंड डाउन गेज होता है क्योंकि अपवर्ड का गेज जो है जिसमें इंजरी हुआ होता है जिस साइड में उसमें अपवर्ड गेज एब्सेंट हो जाता है, अपवर्ड मूवमेंट मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्फीरियर रेक्टस इंट्रैप्ड हो जाता है। इनॉप्थेल्मोसिस होगा अगर सीवियर होगा, एम्फाइसीमा ऑफ द ऑर्बिट एंड आईलिड्स इन पेशेंट्स विद ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, विजुअल लॉस कैन रिजल्ट फ्रॉम ग्लूकोमा के कारण हो सकता है, इंजरी टू ऑप्टिक नर्व के कारण हो सकता है और इंक्रीज ऑर्बिटल प्रेशर कॉजिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ऑर्बिटल हैमरेज कब हम लोग सस्पेक्ट करते हैं, ऑर्बिटल हैमरेज सस्पेक्टेड इफ लॉस ऑफ विजन इज एसोसिएटेड विद प्रोप्टोसिस एंड इंक्रीज आईओपी इंट्राऑक्युलर प्रेशर। सीटी स्कैन में कोरोनल और सेजाइटल व्यूज में हम लोग देखेंगे तो इवेल्युएशन ऑफ फ्रैक्चर साइज एंड एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल रिलेशनशिप्स देखेंगे। मेजोरिटी ऑफ ब्लोअर फ्रैक्चर डू नॉट रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन और ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका 5 to 10 days के लिए टू अलाउ ऑर्बिटल हैमरेज टू सबसाइड। ओरल स्टेरॉइड दिया जाता है 1 mg/kg/day 7 days के लिए, फर्स्ट 7 days, डिक्रीज इडीमा को डिक्रीज करने के लिए एंड मे लिमिट रिस्क ऑफ डिप्लोपिया फ्रॉम इन्फीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्चर एंड फाइब्रोसिस। स्टेरॉइड हम लोग देते हैं ओरल स्टेरॉइड 1 mg/kg/day 7 days के लिए, उससे क्या होता है कि इडीमा डिक्रीज हो जाता है स्वेलिंग और डिप्लोपिया का होने का रिस्क को ये घटा देता है क्योंकि डिप्लोपिया होता है इंफीरियर रेक्टस के कॉन्ट्रैक्चर और फाइब्रोसिस के कारण। अब इंडिकेशंस फॉर सर्जरी हम लोग कब कब कर सकते हैं, डिप्लोपिया विथ लिमिटेशन ऑफ अप गेज और डाउन गेज विद इन 30 degrees ऑफ प्राइमरी पोजिशन। डिप्लोपिया देखने को मिलेगा जिसमें अप गेज होगा, ऊपर की साइड आई बॉल देख रहा हो या नीचे की साइड, और 30 degrees का डेविएशन होगा प्राइमरी पोजिशन से तब हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। डेविएशन और 30 degrees का डिप्लोपिया होगा तो इनॉप्थाल्मोसिस मोर देन 2 mm एंड इज कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। इनॉप्थाल्मोस 2 mm से ज़्यादा अगर है तो वो कॉस्मेटिकली पेशेंट के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा तो सर्जरी कर सकते हैं, कि पेशेंट को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो सर्जरी करा सकता है। कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए लार्ज फ्रैक्चर्स इन्वॉल्विंग एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर पर्टिकुलरली व्हेन एसोसिएटेड विद लार्ज मीडियल वॉल फ्रैक्चर,
लार्ज फ्रैक्चर्स जिसमें हाफ ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, पर्टिकुलरली विद व्हेन एसोसिएटेड विद लार्ज मीडियल वॉल फ्रैक्चर, जब लार्ज मीडियल वॉल फ्रैक्चर होता है और ज़्यादातर हाफ ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर इन्वॉल्व हो जाता है तो सर्जरी का इंडिकेशन किया जाता है। व्हेन सर्जरी इज इंडिकेटेड फॉर ब्लू आउट फ्रैक्चर्स प्रेफरेबल टू प्रोसीड विथ रिपेयर विद इन 2 वीक्स। जब सर्जरी को इंडिकेट करते हैं ब्लू आउट फ्रैक्चर के लिए जिसमें रिपेयर 2 वीक्स में हो सकता है तो उसमें सर्जरी इंडिकेट करते हैं। सर्जिकल अप्रोच में अगर देखें तो इंफ्रासीलियरी इंसीजन कर सकते हैं, कंजक्टिवल इन्फीरियर फॉर्निक्स इंसीजन कर सकते हैं। कंजक्टिवल इन्फीरियर फॉर्निक्स इंसीजन में हम लोग एलिवेशन ऑफ पेरी ऑर्बिटा फ्रॉम ऑर्बिटल फ्लोर करते हैं और फिर प्रोलैप्स टिश्यू का रिलीज कर देते हैं, फिर प्लेसमेंट कर देते हैं इम्प्लांट का ओवर फ्रैक्चर के ऊपर टू प्रिवेंट रिकरेंट एडहेशंस एंड प्रोलैप्स ऑफ ऑर्बिटल टिश्यूज। सबसे पहले पेरी ऑर्बिटा को एलिवेट करते हैं ऑर्बिटल फ्लोर से, उसमें से फिर जो प्रोलैप्स टिश्यू जो उस एरिया में ऐसे आई है और ये इसमें प्रोलैप्स टिश्यू कुछ फंस गए होंगे तो उनको निकालते हैं, फिर वहाँ पे इम्प्लांट ऐसे लगा देते हैं ताकि करंट एडहेशंस और प्रोलैप्स और ज़्यादा ऑर्बिटल टिश्यूज़ का ना हो।